नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। चंद्रशेखर आजाद को जोधपुर एयरपोर्ट पर रोका, जोधपुर पुलिस ले गई अपने साथ। सुराणा गांव जा रहे थे चंद्रशेखर रावण। गुरुवार को सुराणा गांव में होने वाला है बड़ा विरोध प्रदर्शन। प्रदेश भर से रवाना हुए हजारों लोग। बीएमआरबी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जोधपुर हवाई अड्डे पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। चंद्रशेखर जालोर के सुराणा गांव में दलित छात्र के परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर जोधपुर पुलिस ने आजाद को रोक लिया और अपने साथ ले गई। जोधपुर पुलिस का कहना है कि जालोर में धारा 144 लगी हुई है, भीड़ भाड़ होने के चलते वहां कानून और व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसके लिए चंद्रशेखर को रोका है। पुलिस ने चंद्रशेखर को हिरासत में लेने से इनकार किया है। भीम आर्मी के स्थानीय नेताओं ने कहा है कि सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता सुराणा गांव के दलित परिवार से मिलने जा रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी के चीफ को वहां जाने से रोका जा रहा है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लगातार सुराणा गांव के मामले में ट्वीट कर रहे थे। आपको बता दें कि गुरुवार को सुराणा गांव में दलित वर्ग के लोगों का विरोध प्रदर्शन होना है। चंद्रशेखर इसी के लिए सुराणा जा रहे थे। इस प्रदर्शन के चलते प्रदेश सरकार अलर्ट हो गई है। सुराणा गांव में अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है, साथ ही 6 जिलों के 700 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 2 बुलडोजर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात की गई है। बुधवार शाम से प्रदेश भर से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जालोर के लिए रवाना हुए हैं। सुराणा गांव के अध्यापक द्वारा एक दलित छात्र की पिटाई करने के बाद छात्र की मौत होने से दलित वर्ग में खासा आक्रोश है। मसला आपकी जानकारी में आ चुका होगा, मैं एक बार फिर ब्रीफ कर देता हूँ। राजस्थान के जालोर जिले के सायला ब्लॉक में एक गांव है सुराणा। जालोर बागोड़ा मार्ग पर स्थित इस सुराणा गांव में एक निजी विद्यालय है जिसका नाम है सरस्वती विद्या मंदिर। ये स्कूल छेल सिंह भूमिया राजपूत द्वारा चलाया जाता है, वो इसके संचालक है और प्रधानाध्यापक भी है। इस विद्यालय में 350 बच्चे अध्ययनरत है। छेल सिंह सुराणा गांव का नहीं है, वो चीतलवाना क्षेत्र के जाप गांव का है। वो अपने 2 बच्चों के साथ स्कूल के ही एक कमरे में रहता है, स्कूल में ही खाना बनाता है। मतलब जिस कमरे में अध्यापक छेल सिंह अपने 2 बच्चों के साथ रात में सोता है, उसी कमरे में दिन में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। स्कूल के ही एक दूसरे कमरे में छेल सिंह स्वयं और बच्चों के लिए खाना बनाता है। अब नजर डालते हैं मामले पर। सुराणा गांव के देवाराम मेघवाल का 9 वर्षीय बेटा इंद्र कुमार इस स्कूल की 3री कक्षा का छात्र था। देवाराम ने बताया कि 20 जुलाई को उसके बेटे इंद्र कुमार ने स्कूल में छेल सिंह की पानी की मटकी को छू लिया, यानी उस मटकी से पानी पी लिया। इससे नाराज हुए अध्यापक छेल सिंह ने उसके बेटे की पिटाई कर दी, जिससे उसके बेटे की आंख सूज गई और कान से खून निकलने लगा। उसके बाद बेटे का उपचार जालोर, उदयपुर, डीसा व अहमदाबाद में करवाया। 13 अगस्त को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसी दिन शाम को साहिला पुलिस ने छेल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के जरिए यह मामला दूसरे ही दिन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। राजस्थान सरकार ने बच्चे की मौत पर 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इससे दलित वर्ग के लोग आक्रोशित हो गए। वे उदयपुर के कन्हैयालाल तेली के परिवार को दी गई मुआवजा राशि जितनी राशि यानी 50 लाख रुपए देने और 2 परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग करने लगे। इस मामले से दलित वर्ग में इतना आक्रोश है कि भाजपा व कांग्रेस के कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए हैं। यही नहीं, 12 अट्रू के विधायक पानाचंद मेघवाल ने भी विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि प्रदेश में जगह जगह पर धरने प्रदर्शन होने लगे। उदयपुर जिले के हर ब्लॉक में दलित वर्ग के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे। गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर भी सैकड़ों लोगों की संख्या में लोग एकत्र हुए और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया। मंगलवार को गोगुंदा में आक्रोशित मेघवाल समाज सहित अनुसूचित जाति वर्ग की विभिन्न जातियों के लोगों तथा सामाजिक संगठनों द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। दोपहर 3 बजे जगले महुड़ी के समीप विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोग एकत्र हुए, यहां से रैली के रूप में रवाना हुए और मेघवाल मोहल्ला, बोहरवाड़ी, मुख्य बाजार, बैरूजी की घाटी व चौगान में होते हुए तहसील परिसर में पहुंचे। यहां कई देर तक नारेबाजी की गई, साथ ही इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान गोगुंदा थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ मई जाप्ते के मौजूद रहे। सैकड़ों की संख्या में आए लोगों को देखते हुए SDM हनुमान सिंह राठौड़ अपने चैम्बर से बाहर आए और वहां उन्होंने ज्ञापन लिया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में छात्र इंद्र कुमार मेघवाल के दो परिजनों को सरकारी नौकरी देने और 50 लाख रूपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। इस दौरान पूर्व जिला परिषद सदस्य किशन मेघवाल, अम्बेडकर शिक्षक संघ के रामलाल मेघवाल, हिम्मत खटीक, एडवोकेट दुर्गेश मेघवाल, शिव नारायण मेघवाल, मुकेश मेघवाल, गुलाब मेघवाल, एकलिंग मेघवाल, राजू मेघवाल, अर्जुन मेघवाल, भाजपा मंडल महामंत्री DC मेघवाल, भूपेंद्र मेघवाल व पार्वती मेघवाल सहित गोगुंदा, सायरा व बाकुल क्षेत्र के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे। बहरहाल प्रदेश सरकार के रवैये से दलित वर्ग के लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि गुरुवार को सुराना गांव में विरोध प्रदर्शन कैसा होगा और उसके बाद सरकार कितनी मांगों को पूरा कर पाएगी।